हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का 19 चैप्टर कर रहे थे, मीन एंड मीडियन। लास्ट वीडियो तक हमने इसकी 19.A एक्सरसाइज की, आज हम 19.B करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस एक्सरसाइज में से कौन से सम जो हैं आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इस एक्सरसाइज की कौन सी ऐसी एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना साथ साथ। नाउ स्टूडेंट, 19.A एक्सरसाइज जो थी उसमें मीन फाइंड आउट किया था हमने, 19.B एक्सरसाइज में मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, मीडियन जो है हम टू मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट जो ये बुक वालों ने बताया है, ठीक है, वैसे, और सेकेंड मेथड में आपको सिखाऊंगी जो कि बहुत इजी है, आपने फटाफट से मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपको ऑब्जर्वेशन डाटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी एक, तो आप असेंडिंग ही रखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। ठीक है, लिख के उसके बाद देखना है कि ये कितने टोटल नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं या इवन है। ठीक है, यानी कि जो भी आपको डाटा दिया हुआ है वो 4, 5, 6 ऐसे है ना, इवन ऑड, तो वो देखना है कि वो ऑड है या इवन है। तो अगर तो ऑड हुए तो ये वाला फार्मूला n+1/2 टर्म, ये मीडियन होगा। अगर इवन होंगे n, ठीक है, तो 1/2 वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2+1th टर्म। ठीक है, ये इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक मैं इजी मेथड आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत इजी वे से मीडियन जो है वो सीख पाओगे। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट सम देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। ये 4 सम हैं, सभी में हमने मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 16 नंबर है, तो वो कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 टाइम ही इसको लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 1 टाइम लिख लो और कहो 16 हो गया। ठीक है, जितने टाइम यहाँ पे आया हुआ है उतना ही आपने नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट 16 के बाद आपके पास 19 नंबर है। ठीक है, 1 टाइम है 19। नेक्स्ट नंबर देखो जरा, 25। ठीक है, ये रहा, 1 टाइम ही है। नेक्स्ट 26, उसके बाद 28, देन 28 के बाद 1 है ना, उससे छोटा। ठीक है, तो 31, 32 और 35। अब स्टूडेंट, जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने नंबर जो हैं वो पूरे अच्छे से उतार लिए, कोई ये मिस तो नहीं हो गया हमारे से। तो इसके लिए आप क्या किया करो, पेंसिल ले लिया करो, पेंसिल की हेल्प से आप, जैसे आपने 16 लिखा 2 टाइम है ना, तो 16 को यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, पेंसिल रखा करो अपने पास, रफ काम उससे किया करो। नेक्स्ट 19 लिखा हुआ है तो 19 को साथ साथ ही लिखो और साथ साथ ही कटिंग कर दो। देन 25, ठीक है, नेक्स्ट 26, 28, 31, 32 और 35। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर सभी नंबर जो हैं अगर कट चुके हैं, इट मींस आपने सभी नोट डाउन कर लिए। ठीक है, एक और मेथड है, यहाँ से काउंट करो कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी देखो आपने 9 लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इट मींस हमने सभी जो हैं नंबर्स उनको अच्छे से लिख लिया है। अब आप मीडियन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले बुक वाला मेथड जो हमने बुक पे अभी किया ना, क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स, एन कितने हैं यहाँ पे, 9, तो अगर ये ऑड है तो क्या करना होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला, अगर ऑड नंबर्स हैं तो n+1/2 टर्म। ठीक है, एन कितना है, 9, 9+1/2 टर्म। ठीक है, वैसे ही ये हो गया 10/10
टेन बाई टू कटिंग करके फाइव, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है, ठीक है, फिफ्थ टर्म। तो यहाँ से काउंट कर लोगे वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये वाला जो 26 है वो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन। 26 आएगा मीडियन आंसर, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है कैसे, देखो ज़रा कितना इजी है, जैसे मैं अभी सिखाने लगी हूँ, ध्यान से देखो सभी। सबसे पहले सेंडिंग ऑर्डर तो आपने करना है, ठीक है, कर लिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पेंसिल ले लो, ठीक है, पेंसिल लेके आपने फर्स्ट नंबर यहाँ से लेफ्ट से और फर्स्ट या लास्ट से ये छोड़ देना, ठीक है, छोड़ दिया। अब सेकंड ये फर्स्ट और यहाँ से लास्ट सेकंड, देन यहाँ से थर्ड और लास्ट से थर्ड, ये फोर्थ और लास्ट से फोर्थ। अब आप देखोगे कि सेंटर में आपके पास सिर्फ 26 नंबर जो है बच गया, ठीक है। मीडियन मीन जो मिड वाली वैल्यू है, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही आंसर आया ना, देखा आपने, जैसे फॉर्मूले के साथ हमने किया 26 आंसर। तो ये शॉर्टकट मेथड जो है, अगर मान लो 1 मार्क्स में आए या MCQ में कई बार क्वेश्चन आता है ना, तो देन इतना लेंथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने सिर्फ सिंपल ये असेंडिंग ऑर्डर करना है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ से लास्ट, एक एक फर्स्ट से एक लास्ट से छोड़ी जाने नंबर जो भी आपके पास बीच में, अगर एक बच गया, अगर ऑड नंबर होंगे तो एक ही बचेगा, ठीक है, तो वही मीडियन होगा, क्लियर है। अगर इवन नंबर हो, ठीक है, देन क्या करेंगे, फिर तो यहाँ पे 2 बचेंगे, है ना, तो 2 बचेंगे तो उन दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर लोगे, तो वो आ जाएगा आपका मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो ज़रा, नाउ सेकंड पार्ट देखो, ये जो सेकंड है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया पहले, तो ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड हैं, 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो पहले अपने मेथड से ज़रा मीडियन निकाल के देखें, ये फर्स्ट नंबर छोड़ दिया, ये लास्ट से, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट और फिफ्थ फिफ्थ लास्ट, और ये जो नंबर है ये आ गया हमारे पास सेंटर में 271 मीडियन, है ना। नाउ यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देखें ज़रा कैसे, मीडियन क्या है, ऑड हो तो फार्मूला n प्लस 1 ओवर 2 टर्म, ठीक है, ये n है 11, 11 प्लस 1 आगे 12, 12 ओवर 2 कटिंग करके सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो ये सिक्स्थ टर्म जो है वो कौन सी है, इसमें से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 271 आ गया हमारा मीडियन आंसर, क्लियर। इजी भी है मीडियन फाइंड आउट करना और इंटरेस्टिंग भी, है ना, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। नाउ फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम देखो स्टूडेंट, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया है, ठीक है, तो जो कि नंबर्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर हैं, ठीक है, तो इवन है, तो देखिए ज़रा इवन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, फर्स्ट और यहाँ से लास्ट, ये सेकंड, सेकंड लास्ट, थर्ड, थर्ड लास्ट, फोर्थ, फोर्थ लास्ट। अब स्टूडेंट अगर 25 को छोड़ते हैं तो इधर 35 भी है ना, दोनों फिफ्थ फिफ्थ टर्म जो है, तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं, अगर दोनों को छोड़ दिया तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं, है ना, इट मीन ये दो जो हैं हमारे पास सेंटर में आ गई दोनों नंबर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए, अगर इवन नंबर हो तो ऐसे मीडियन कैसे निकालते हैं, जो भी सेंटर में दोनों हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 25 और 34 इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 59 ओवर 2 यही आएगा, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करोगे, रफ में डिवाइड करो, सामने डिवाइड आती है ना सभी को, तो डिवाइड करने पे आपके पास 29.5 क्या आ जाएगा आंसर,
क्लियर। तो स्टूडेंट, अगर आप फॉर्मूले की हेल्प जो हमने अभी सीखे थे बुक से शुरू वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी आपका सेम ही आंसर आएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, 10, कटिंग होगी तो 5 फिफ्थ टर्म आएगी, और नेक्स्ट 5 + 1 = 6, तो फिफ्थ सिक्स टर्म कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही दोनों तो हुई, ठीक है, क्लियर। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगा है, असेंडिंग ऑर्डर करके उसके बाद फर्स्ट और लास्ट ऐसे एक एक करके छोड़ दोगे फर्स्ट से लास्ट से, तो बीच में जो बच गई, ठीक है, अगर ऑड नंबर हैं तो एक ही बचेगी, वही आंसर होगा। अगर इवन नंबर्स हैं तो दो बचेंगी, उन दोनों को ऐड कर लोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, वही आंसर आएगा, क्लियर। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया हमने, देन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन नंबर्स हैं, ठीक है, 10 इवन है, तो इवन है तो जो सेंटर में दो बचेंगी, पहले यहाँ से और यहाँ से एक एक छोड़ी जाओगे, तो बीच में ये फिफ्थ सिक्स जो हैं वो टर्म, ये दोनों 194 और 200 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, कितना आएगा, 197 आंसर, क्लियर। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आया भी हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। तो यहाँ पे मीडियन उसने दे दिया हमने 63, ठीक है, मीडियन गिवन है, ये मिड वाली जो दो टर्म है वो नहीं है हमारे पास, तो वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो नाओ यहाँ पे मीडियन गिवन है, तो अगर मीडियन हमने फाइंड आउट करना होता तो स्टूडेंट क्या होता, जो मिड वाली ये दोनों हैं इन दोनों को ऐड करते और 2 से डिवाइड करते, ये ऐसे ही करना था ना, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर हैं, 10 ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो n है हमारे पास 10 जो कि इवन है, तो मीडियन क्या होगा, x + x + 2/2, ठीक है, ये तो अब गिवन है हमें 63 के इक्वल कर देंगे इसको, ठीक है, इधर फॉर्मूला लगा दिया और इधर 63 के इक्वल, यहाँ पे इसको क्रॉस कर सकते हो, दूसरी तरफ लेके जा सकते हो 2 को, नहीं तो यहाँ पे ही देखो x और x ऐड कर दिए, 2x + 2/2, ये 63 इस तरफ, नाओ ये दोनों में 2 2 है ना ऊपर, तो 2 जो है आप कॉमन निकाल लो, फाइंड कॉमन निकाल लो यहाँ से ऊपर 2, तो यहाँ बचा x + 1, और नीचे जो 2 है उसके साथ 2 1 के टेबल में कट गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, अब देखो = 63, ठीक है। नाओ ये x + 1 = 63, 1 जो है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 63 में से, तो कितना आ गया, 63 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 62, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी तो x की वैल्यू आ गई 62। कितना इजी है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो गिवन है मीडियन वो इक्वल लिख लेंगे, ठीक है, = 63 मीडियन के, इस तरफ जो मिड वाली दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो प्लस करके ओवर 2 कर दिया, दोनों को ऐड, ये 2x + 2, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ x + 1 बच गया, ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल, और ये 1 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, ईजी है ना, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करो बेटा ज़रूर। नाउ स्टूडेंट, थर्ड सम देखो, इन 10 नंबर्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 10 नंबर हैं तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया, ठीक है, द 7th नंबर इज इंक्रीज बाय 8, ठीक है, हाउ मच विल द मीडियन विल चेंज, तो मीडियन वो कहता है चेंज होगा वो आपने बताना है, ठीक है, तो ये नंबर 10 है जो कि इवन है, नाउ स्टूडेंट ये 10 है इवन नंबर, तो मीडियन जो है, पहले भी हमने जितने इवन नंबर्स वाले किए 10 नंबर्स थे तो उनका फिफ्थ सिक्स टर्म होती है ना, फिफ्थ और सिक्स टर्म, फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म, ठीक है, टर्म्स
ओवर टू। नाउ ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिफ्थ सिक्स टर्म आ रही हैं, तो देयर फोर बिकॉज सेवन्थ टर्म ही चेंज, उसने सेवन्थ का है ना इंक्रीज बाय एट, तो बिकॉज सेवन्थ टर्म इज चेंज, अब सेवन्थ टर्म में चेंज आई है तो यहाँ पे मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर फोर देयर विल बी नो चेंज, देयर फोर नो चेंज इन मीडियन। ठीक है, अगर तो फिफ्थ सिक्स टर्म होती, ठीक है, तो फिर तो चेंज आना था कि जो उसके अकॉर्डिंग ही होना था ना यहाँ पे मीडियन, तो अब टर्म ही सेवन चेंज हुई है तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मीडियन हो है वही रहेगा, है ना। नाउ स्टूडेंट फोर्थ नंबर सम देखो, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट हु अपियर्ड इन द टेस्ट 3 सिक्योर्ड लेस देन 30 मार्क्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट टेस्ट ही है तो उसमें से 30 जो मार्क्स हैं वो 3 के, ठीक है, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लेस देन 30 आए और 3 सिक्योर्ड मोर देन 75 और 3 जो हैं उनके 75 से ज़्यादा आए हैं। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द रिमेनिंग 4 स्टूडेंट आर, जो बाकी 4 बच्चे बचे तो उनके मार्क्स 35, 48, 66 एंड 40 हैं। तो फाइंड द मीडियन स्कोर ऑफ द होल ग्रुप, तो पूरे ग्रुप जो है ये 10 स्टूडेंट का, उसका हमने मीडियन जो है वो बताना है। नाउ टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 10, 3 सिक्योर्ड लेस देन 30, 3 सिक्योर्ड मोर देन 75, रिमेनिंग स्टूडेंट मार्क्स ये हैं। ठीक है, तो अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर हम लिखें तो ये 30 से लेस है तो इट मीन्स 1, 2, 3, 3 स्टूडेंट हैं ये। ठीक है, 4 नंबर पे ये वाले आएंगे 35, 48, ठीक है, ये 40, इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना हमने, ये 40 पहले आएगा, ठीक है, 48 देन 66 और उसके बाद उसने कहा कि 75 से मोर हैं 3 स्टूडेंट तो ये हो गए 1, 2, 3। ठीक है, ये टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये ब्लैंक्स हमने इसलिए डालनी कि हमें पता नहीं है कौन से हैं, ये उसने सिर्फ ये बताया कि 3 स्टूडेंट जो हैं उनके लेस है 30 से और 3 जो हैं वो 75 से मोर हैं। क्लियर है। नाउ नंबर कितने हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10 जो कि इवन है। ठीक है, तो इवन है तो इसका हमें पता है 10th टर्म हो तो इवन अगर नंबर है ये 10th टर्म में, फिफ्थ सिक्स नंबर वाला जो है वही मिड में आता है ना, तो मीडियन क्या आएगा, मीडियन इक्वल टू फिफ्थ सिक्स टर्म, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिफ्थ और सिक्स टर्म कौन सी हुई, 40 और 48, 48 को ऐड कर लोगे ओवर 2 करोगे। ठीक है, नाउ इनको ऐड किया, ऐड करके कितना आ गया देखो, 88 ओवर 2 कटिंग करके 44, तो 44 जो है वो हमारा होगा आंसर। क्लियर है, इजी है ना, अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, एन ओवर 2 टर्म प्लस एन ओवर 2 प्लस 1 टर्म, यानी कि फिफ्थ सिक्स टर्म ही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, बेटा प्रैक्टिस जरूर करो साथ साथ। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ध्यान से देखो ज़रा। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस, ये आपको दी हुई है ऑब्जर्वेशन, वो गिवन है मीडियन कितना 18 और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो जैसे ये सेकंड सम किया था ना वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ये इवन नंबर्स थे, यहाँ पे ऑड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट पहले असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया आपने, ठीक है, वो गिवन ही है, जब भी हमें एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करने आएंगे ना सम, तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर गिवन ही होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मिड जो टर्म है आपकी वो ये वाली, ठीक है, एक्स वाली, तो यही जो है वो एक्स प्लस 5 इक्वल आएगा 18 के। ठीक है, तो ये सॉल्व द इक्वेशन कर लोगे इसको आप, सॉल्व द इक्वेशन देखो, एक्स एक तरफ हो जाएगा, ठीक है, और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 18, तो एक्स इस तरफ ही रहेगा, इक्वल टू भी अपने प्लेस पे, 18 भी अपने प्लेस पे, 5 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 18 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 13 आएगी एक्स की वैल्यू। सबसे इजी सम था ना ये,
है ना। लेकिन बेटा प्रैक्टिस करो साथ साथ, तभी आएगा। क्लियर? कितनी इजी एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट ये। नाउ स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में ये एग्जांपल जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम्स में आई हुई हैं, ठीक है। जो हमारे पास सैम्पल पेपर हैं, हमने सैम्पल पेपर भी आपके जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन जो है ये ऑब्जर्वेशन का फाइंड आउट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है, 14 नंबर्स हैं टोटल, तो इवन है ये सेंटर वाले, ये दोनों बनेंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, तो दोनों को ऐड करके ओवर टू लिख दोगे और किसके इक्वल कर दोगे 14 के, सॉल्व द इक्वेशन करोगे, तो सॉल्व द इक्वेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 70। क्लियर? सेम सेकंड सम जैसा हमने किया ना ये वाला, वैसा ही है, ठीक है। तो आप मेथड को अच्छे से फॉलो किया करो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेथड अच्छे से आता है तो सम की स्टेटमेंट कोई भी आए आप वो कर पाओगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।